अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं निकली हूँ शाम में, जो मेरी रूटीन होती है मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। आज मैं यहीं अपने अपार्टमेंट के अंदर ही हूँ, अपने अपार्टमेंट में। आज इधर ही पार्क में मैं आई हुई हूँ, अक्सर इधर मैं आ जाती हूँ अपने बेटे को लेकर। तो फिर हम इधर ही बस थोड़ी देर घूमते फिरते रहते हैं और सही मज़ा आता है। यानी कि यहाँ पे सारे बच्चे आए हुए होते हैं, बस एक माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। इस तरफ आकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है, हरियाली सी दिख जाती है, आँखों को ठंडक सी पहुँचती है इस तरह। और ये देखिए बच्चे कितना मज़े से इधर खेल रहे हैं। एक तो वैसे भी स्कूल्स बंद हैं, जिसकी वजह से बच्चे तकरीबन घर ही में बस कैद रहते हैं। फिर शाम में थोड़ा निकलते हैं, तो फिर हम भी निकल आए बाहर। हमने यही सोचा कि हम भी निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं थोड़ा सा बच्चों में रहकर। फिर काम था, आगे जाना था कुछ। मैं इस टाइम ही ग्रॉसरी वगैरह भी कुछ कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, जो चीज़ कम पड़ गई हो लेना हो, कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो मैं इसी टाइम शाम में निकलती हूँ। ज़ाहिर है दिन में बहुत सख्त गर्मी होती है, तो कोई भी नहीं इतनी गर्मी में बाहर निकल सकता। और बस ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से क्लिप ले लिए हैं मेरे बेटे ने और वीडियो बना ली है इन्होंने। इसके बाद मैंने यही सोचा कि आगे चलेंगे, एक दो काम और निपटाने हैं हमें, वहाँ जाना है। ये देखिए कितने प्यारे लोग हैं। इसके बाद मैं आ गई ग्रोसरी करने के लिए। ग्रोसरी क्या, तकरीबन थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, वहाँ शॉप पे गई उधर से कुछ लिए। और इसके बाद ये मैं आ रही हूँ बहन के घर पे। बहन की तबीयत सही नहीं थी, मैंने सोचा उनको मिलती हुई चलूँ। उनका घर भी इधर रास्ते में ही पड़ता है, तो बस उनके अपार्टमेंट में आ गई हूँ मैं जी। उधर से उनसे मिलकर फिर इसके बाद आगे का देख लीजिएगा कहाँ जाती हूँ। ये देखिए भी बस अंदर ये बच्चे खेल रहे थे और ये ब्लॉक था इनका। ये मैं पहुँच गई हूँ उनके सीने पर। फोर्थ फ्लोर पे मेरी बहन का घर है, तो काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है इतने ऊपर जाने के लिए। और बस शाम में ज़रा अच्छा ही रहता है। ये देखिए इनकी कैट इतनी प्यारी है माशाल्लाह से। ये देखिए इतना अच्छा सा व्यू हो रहा था, कल मौसम अच्छा सा था ना, बादल वगैरह, तो फिर हमने वो भी क्लिप ले लिया। और ये तो बिल्कुल वीडियो बनाने ही नहीं दे रही थी, ऐसे डर डर के भाग रही थी कि जैसे पता नहीं क्या। तो फिर इनके हमने ऐसे पिक्स ले ली। और ये बिल्ला है, ये जो मौज मस्ती वाला है, ये अपना मन मूडी है, इसका मूड हो तो बस सही रहता है, गोद में भी बैठ जाता है। इसके बाद मैं वापस आ गई हूँ अपने अपार्टमेंट में और मैं घर की तरफ जा रही थी, तो वॉक भी जैसे हो जाती है शाम के टाइम अक्सर। और ये मैंने चीज़ें ले ली थी, पापड़ जो मूंग दाल के होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, रंगोली वाले, वो मैंने ले लिए। और इसके अलावा मैं चाय में डालती हूँ गुड़, जो ये देखिए कैसा डार्क कलर वाला होता है, डार्क ब्राउन जो गुड़ होता है वो लेती हूँ मैं चाय में डालने के लिए। ये मैंने छोटे को नूडल्स दिला दिए थे और ये मेरे बच्चे खाते हैं। हम जैसे दाल वगैरह बनाते हैं तो साथ रिंग्स बनाते हैं। और ये मैंने चिकन फ्राई करनी थी ना, तो उसके लिए मैं ये भी ले आई। ये भी इससे अच्छा बनता है चिकन फ्राई, जैसे हम कर लेते हैं पॉपकॉर्न्स वगैरह जो हम बना लेते हैं वो। इसके बाद जी शाम की डिनर की तैयारी हो रही है, यानी कि रात की, तो निहारी हम बना रहे हैं। शान का मसाला डाला है मैंने इसके अंदर एक साशे, और वाकई बहुत अच्छी सी बनी थी। प्याज हम पहले फ्राई कर लेंगे, इजी सा होता है बहुत। एक कप हमने साइड में जो आटा होता है उसको रख दिया था हल्की आंच पे भूनने के लिए। और ये प्याज हम फ्राई कर रहे हैं साथ साथ, और दूसरे काम भी चल रहे थे। मैंने सोचा क्लिप भी ले लूँ इसका भी, कि रात का जो हम बना रहे हैं वो भी शेयर कर दूँ आपके साथ वीडियो में। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि बहुत लंबी हो जाती, साथ हमने रोटियाँ रखी थी इसके, वो भी घर पे ही बना ली थी, बाहर से हम ज़्यादा नहीं मंगाते हैं। ये देखिए प्याज तो ब्राउन होने के बाद हमने मसाला वगैरह भून लिया है, चिकन में हमने लगा कर रख दिया था दही और शान का मसाला। अब काफ़ी ईजी सी है रेसिपी, कोई मसला ही नहीं है इसमें। मसाला जो लगा हुआ हमने रखा था चिकन, वो उठा के प्याज ब्राउन हुए तो उसमें अदरक लहसुन डालकर और ये डालकर हमने फ्राई कर लिया। इसके बाद हम पानी डाल देंगे जितना हमने रखना हो ग्रेवीज की, पानी डालकर फिर हम इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे। इसके बाद हमने आटा मिक्स करना है
और फिर फ्राई पैन में मैंने क्या किया था, ऑयल लेके थोड़ी सी रेड जो होती है ना मिर्ची लाल वाली वो डाल दी थी। ये देखिए कितनी अच्छी सी रेडी हो गई थी, चिकन की थी लेकिन टेस्टी बहुत बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स।